सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हो कि यार मेरा छोटा भाई एक दो महीने पहले इंडिया से कनाडा आया था अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो उसने एक लैपटॉप खरीदा था जो कि उसको रिटर्न करना पड़ा। और आज हम आए हैं लंदन के मेसनविल मॉल जो कि नॉर्थ लंदन में पड़ता है, और एक नया लैपटॉप खरीदने आया उसके लिए। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि उसने लैपटॉप रिटर्न क्यों किया, उसने रिटर्न जो किया था उसकी पॉलिसी वगैरह क्या थी, कितने पैसे वापस आए कितने नहीं आए, और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि वो भाई साहब कौन सा लैपटॉप लेने जा रहे हैं, कितने का पड़ेगा। तो सारी चीज़ों के बारे में पता करेंगे, और साथ में मैं अपना व्यू पॉइंट भी बताऊंगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए और किस तरीके का आपको लैपटॉप नहीं लेना चाहिए कनाडा के अंदर जब आप एज अ स्टूडेंट आओगे। और साथ के साथ उससे ये भी पूछेंगे कि भाई साहब वो कौन सा कोर्स करने आया है, और आपको मिलाता हूँ अमनदीप से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार ये है अमनदीप सिंह, मेरा छोटा भाई जो कि रिसेंटली अभी कनाडा आया है। तो अपने बारे में कुछ बता मेरे व्यूअर्स को। तो रिसेंटली मैं अभी कनाडा आया हूँ, 29th September को आया था मैं इनडायरेक्ट रूट से दुबई वाले से। और मैं यहाँ पे अपना पीजी डिप्लोमा कोर्स परस्यू करने आया हूँ। ओके, कौन सा वाला? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करके कोई कोर्स है? करके नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट करके कोई कोर्स है वो करने आए हैं भाई साहब। और तूने लैपटॉप कौन सा लिया था अभी? लैपटॉप मैंने ASUS का खरीदा था पहले। ASUS या ASUS? पता नहीं, अब ASUS होता है या ASUS होता है मुझे नहीं पता, इसलिए रिटर्न कर दिया। तो मैं एक रीजन हमारा रिटर्न करने का ये था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो ASUS होता है, ASUS होता है या ASUS होता है। इंडिया से मैंने लैपटॉप नहीं खरीदा, मैं कनाडा आके खरीदा था लैपटॉप। और मैंने ब्लैक फ्राइडे वाले दिन खरीदा था, तो मुझे डिस्काउंट भी मिल गया था उसमें लैपटॉप पे। अच्छा। तो बाकी सब मुझे चीज़ें ठीक लगी, जैसे उसमें रैम 16GB थी और 256GB की SSD थी, सब कुछ बढ़िया था, टच स्क्रीन भी था, फ्लिप भी था। फ्लिप हो जाता था ना? हाँ, फ्लिप हो जाता था। तो अमीरों वाला लैपटॉप लिया था तो वो मैंने खरीदा था। ओके, तो तूने वो लैपटॉप रिटर्न कर दिया था। अब हम लैपटॉप लेने जा रहे हैं अंदर, आप लोगों को दिखाते हैं कि हम कौन सा लैपटॉप लेने जा रहे हैं। और रिटर्न पॉलिसी, तेरे को पैसे वापस आ गए थे? पैसे मुझे पूरे वापस आ गए। हाँ। उन्होंने बस एक क्वेश्चन पूछा और अब मेरा लैपटॉप वगैरह फॉर्मेट किया और उसी टाइम मेरे बैंक में उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो बेसिकली यार कनाडा में एक रिटर्न पॉलिसी होती है, तो कोई भी प्रोडक्ट, ना ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो तो आप रिटर्न कर सकते हो, एक टाइम ड्यूरेशन मिलती है। कुछ लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि नाम खराब होता है, लेकिन अगर जेन्युइनली आपकी प्रॉब्लम है तो आप अपना प्रोडक्ट रिटर्न कर दो अगर आप अनसेटिस्फाइड हो। तो अब चलते हैं हम मॉल के अंदर। ये भाई साहब ग्लव्स पहन रहे हैं क्योंकि इनको ठंड लग रही है बहुत। ये ग्लव्स कहाँ से लाया तू? ये डॉलरामा से। ये नानी वाले ग्लव्स क्यों लग रहे हैं? कितने के थे ग्लव्स? ये $2। तो यार हर मॉल के अंदर, मतलब ज़्यादातर मॉल्स के अंदर ऐसी एक स्क्रीन लगी होती है नेविगेशन के लिए, तो आपको जहाँ जाना है उसके लिए आप ढूंढ सकते हो अपना स्टोर वगैरह। तो जैसे हमें एप्पल के स्टोर जाना है तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और सर्च करते हैं, एंड देन आई लुक फॉर एप्पल। एप्पल आ गया, एप्पल पे टच करा, तो ये हमारी प्रेजेंट लोकेशन है। यहाँ से हमें सीधा जाना है टी पॉइंट, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ टी पॉइंट है, टी पॉइंट से लेफ्ट होना है। अर्बन प्लानट के स्टोर के लेफ्ट में हमारा एप्पल का स्टोर है, तो इसको यूज़ करके आप नेविगेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मॉल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के होते हैं, तो बस इसको यूज़ कर सकते हो, बाकी सब बढ़िया। तो यार आप बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होगे कि हम कौन सा लैपटॉप लेने आए हैं, लेकिन एग्जैक्टली बता कौन सा मॉडल लेने आए हैं? तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे मैकबुक एयर लेने आए हैं। ओके, तो अब बताया तूने एप्पल का मैकबुक एयर ही क्यों चूज़ किया? सबसे पहले तो उसमें एप्पल की रिलायबिलिटी है, ठीक है, और M1 चिप है उसमें, 256GB की SSD है उसमें, ठीक है, तो ये सब फीचर है ऑलरेडी, और 8GB रैम है, तो ये सब मुझे मतलब मिनिमम यही चाहिए मेरे प्रोग्राम में। और बाकी यार मैं भी काफ़ी टाइम से एप्पल का मैकबुक प्रो यूज़ कर रहा हूँ, तो 3 साल हो गए जब मैं कनाडा आया था 2018 में, तो मैंने मैकबुक लिया था प्रो, तो इट इज़ वेरी गुड, रिलायबल है। 3 साल हो गए मेरे को यूज़ करते हुए, मैंने काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, मैं एडिटिंग करता हूँ उसके ऊपर, मैंने कोरल ड्रॉ यूज़ किया है, मैं मतलब एक NGO के लिए पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करता था तो मैंने कोरल ड्रॉ यूज़ किया है, फोटोशॉप यूज़ किया है, अपनी कोडिंग वगैरह भी मैं उसी पे करता हूँ, कॉलेज टाइम पे सारा काम मैंने मैकबुक प्रो पे किया था, तो आज तक वो हैंग नहीं हुआ, तो मेरे को सही लगा। और पहले भी मैंने इसको सजेस्ट किया था कि यार मैकबुक ले ले, लेकिन इसने, इसको टच स्क्रीन चाहिए था, फ्लिप वाला लैपटॉप चाहिए था, और इसको काफ़ी फैंसी फीचर्स चाहिए थे जो हनीमून फीचर्स कहते हैं उनको, लेकिन इसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार
मैकबुक इज बेटर, रिलायबल रहेगा। शुरू शुरू में यूज आते हैं वो फीचर, और बाद में फिर नॉर्मल हो जाते हैं वो हनीमून फीचर्स हो गए ना। इज दैट योर फर्स्ट नेम और योर होम? नो, इट्स या अमनदीप इज माय फर्स्ट नेम एंड माय सेकंड नेम इज सिंह। तो यार हम एप्पल स्टोर गए थे लेकिन उन्होंने हमें बेइज्जती करके भगा दिया क्योंकि हमारे पास अपॉइंटमेंट नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि भैया अपॉइंटमेंट भी लेनी होती है। तो अगर आप कनाडा आओगे और एप्पल के स्टोर जाना हो तो अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लेना। और हम आए थे 10:15 और हमें अपॉइंटमेंट मिली है 12:15 की, तो 2 घंटे हम वेले हैं एकदम। तो हम विंडो शॉपिंग करेंगे, इधर उधर स्टोर्स वगैरह में घूमेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और पैसे पूसे तो हमारे पास है नहीं ज़्यादा, गरीब हैं हम थोड़े से, तो बस विंडो शॉपिंग करेंगे, कुछ खरीदेंगे नहीं। बाकी आपको थोड़ी सी डेकोरेशन दिखा देते हैं। ये भाई साहब की पार्ट टाइम जॉब लग चुकी है, तो ये महंगी महंगी जैकेट्स वगैरह ट्राई कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है कि फीस इकट्ठी कर ली है। क्या पता पसंद आ गई तो खरीद भी लगा है। देख ये पार्ट टाइम जॉब नहीं लगी थी ना जब, तो एक एक डॉलर बड़े ध्यान से खर्च रहा था, लेकिन पार्ट टाइम जॉब लगने के बाद इसके पर लग गए हैं, इसको कैनेडा की हवा लग गई है। अच्छी लग रही है, थोड़ी बड़ी है। मैं एक स्मॉल फ्रेंच वनीला और एक बेगल 12 ग्रेन विद हर्ब एंड गार्लिक, हर्ब एंड टोस्टेड विद हर्ब एंड गार्लिक। हाँ मैं भी लूंगा फ्रेंच वनीला और देखता हूँ क्या। So since it would be a student discount, so yes. How much would be the total price for that, like including the tax? You're going to go from $12.99 down to $11.69 because the discount is $130. Looking really great, yeah. Yeah, it's a nice MacBook. So it's 265 GB, 8 GB memory. Hope you like that new computer. तो यार 2 घंटे के बाद finally हमें laptop मिल गया, मतलब MacBook मिल गया, और दिखा दे एक बार। बाकी हम इसको खोल के घर जाके दिखाएंगे। हाँ प्रॉपर अनबॉक्सिंग करेंगे। और कितने का पड़ा एग्जैक्ट प्राइस? ये मुझे $1,300 का पड़ा और उसमें हमें $130 का डिस्काउंट मिला, मतलब 10% डिस्काउंट मिला। और ये स्टूडेंट डिस्काउंट था। हाँ स्टूडेंट डिस्काउंट। और डॉक्यूमेंट क्या लगे? डॉक्यूमेंट तो उन्होंने कुछ भी नहीं मांगे वैसे। उन्होंने कोई प्रूफ नहीं मांगा। अरे हाँ कि आप स्टूडेंट हो। चलो बढ़िया है, हो गया काम। ठीक है, अगर इन केस डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो आपको एक फोटो आईडी चाहिए और साथ के साथ अपनी स्टूडेंट आईडी चाहिए होगी। ठीक है, तो अब घर चलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि लैपटॉप लेते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो लेट्स गो नाउ। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि यार लैपटॉप खरीदते हुए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है कि अगर आपके पास इंडिया में ऑलरेडी लैपटॉप है जो कि ढंग से काम कर रहा है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको नया लैपटॉप खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कनाडा जाना है, नए देश में जाना है तो एक नया लैपटॉप लेके जाएंगे, दैट डजंट मेक एनी सेंस। जो आपके पास लैपटॉप है उसी को लेके आओ, उसी को यूज करो और अपने डॉलर्स बचाओ। और इन केस अगर आपके पास इंडिया में लैपटॉप नहीं है या फिर जो है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तो उस केस में आपको लैपटॉप लेना चाहिए, लेकिन आप वो इंडिया से मत लेना, आपको नया लैपटॉप खरीदना है कनाडा आकर। उसका फायदा क्या होगा, इन केस अगर आपको लैपटॉप पसंद नहीं आता या फिर उसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है जिसकी आपको जरूरत है या फिर लैपटॉप में ही कोई प्रॉब्लम निकलती है, तो आप लैपटॉप रिटर्न कर सकते हो और आपको सारे के सारे डॉलर्स वापस मिल जाएंगे, जैसे अमन ने किया, मेरे छोटे भाई ने किया था। और साथ के साथ एक फायदा ये होगा कि आपको वारंटी यहाँ की मिलेगी, आपको ग्लोबल वारंटी के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा, तो ये बेनिफिट। और साथ के साथ जो पिन होती है, इंडिया में आपको पता होगा राउंड पिन होती है, यहां पे फ्लैट पिन्स होती हैं, तो अगर आप इंडिया से लैपटॉप खरीदोगे तो आपको एक कन्वर्टर भी लेना पड़ेगा और हर जगह कन्वर्टर लेकर घूमना पड़ेगा, तो दैट आल्सो डजंट मेक एनी सेंस। तो इसलिए आपको लैपटॉप कनाडा आकर लेना चाहिए। और लास्ट फायदा यह है कि अगर आप ब्लैक फ्राइडे तक का वेट कर सकते हो तो आपको ब्लैक फ्राइडे पे बढ़िया बढ़िया डील्स मिल जाएंगी, अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो लैपटॉप लेना है अगर तो इंडिया से नहीं लेना,
कनाडा से लेना है। और दूसरी बात ये आती है कि अगर लैपटॉप लेना है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। अब मेरे हिसाब से अगर एक ऐसा लैपटॉप लेते हो जिसमें 8GB रैम है, 256GB से लेकर 512GB की SSD है और साथ के साथ इंटेल का i5 या फिर AMD का राइजन 5 प्रोसेसर है, तो आपके सारे काम हो जाएंगे। अगर आपके कोर्स में प्रोग्रामिंग है या फिर कोडिंग है तो C++ या पाइथन किसी के भी कंपाइलर चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपके कोर्स में बेसिक सॉफ्टवेयर यूज़ होने हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, तो ऑब्वियसली कोई इशू नहीं आएगा आपको। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप इज गुड इनफ। और दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो, कुछ हाई एंड गेम्स खेलते हो जैसे कि फोर्टनाइट होगी, कॉल ऑफ ड्यूटी होगी या फिर GTA वगैरह होगी, तो उस केस में आपको थोड़ा सा बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप लेना पड़ेगा। एलियन वेयर वगैरह ले सकते हो अगर आपके पास बढ़िया पैसा है। मेरे को ऑफिस वालों ने मेरे को एक एलियन वेयर दे रखा है, उसमें मैंने शुरू में गेम्स खेली थी। मेरे को फीफा खेलने का बहुत शौक है, तो अगर आप में से कोई मेरे साथ फीफा खेलना चाहता है तो मेरे को बता देना, मैच लगा लेंगे। और अब बात करते हैं कि आपको कितने तक का लैपटॉप लेना चाहिए। अब मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है $700 से लेकर $800 तक का, तो उस केस में 8GB रैम, 256GB SSD और इंटेल का i5 या फिर AMD का राइजन 5, इस कॉन्फ़िगरेशन वाला अगर आप लैपटॉप लोगे तो आपका बढ़िया काम चल जाएगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा। बेसिक सॉफ्टवेयर्स इजीली स्मूथली चल जाएंगे बिना हैंग हुए। एसर के, HP के बढ़िया लैपटॉप मिल जाते हैं यार 700 से 800 के बजट में, तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है जैसे कि 900 या $1000 का आपका बजट है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, $100-$200 एक्स्ट्रा मिला के आप एक मैकबुक एयर ले सकते हो। मेरा पर्सनल रिव्यू यही है कि मैं काफ़ी टाइम से मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि मैं मैकबुक प्रो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैकबुक्स का रिव्यू यही है कि बढ़िया चलते हैं, हैंग नहीं होते यार कभी भी, जितना भी आप यूज़ कर लो। मैंने काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ किया, मैंने एडिटिंग की हुई है, मैंने फोटोशॉप यूज़ किया है, मैंने कोरल ड्रॉ यूज़ किया है, मतलब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करता था, तो कोई इशू नहीं आता, बढ़िया चलते हैं, तो आप मैकबुक एयर कंसिडर कर सकते हो। और इन केस अगर आपको मैक ओएस नहीं पसंद, आपको विंडोज पे काम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना एक डेल का इंस्पायरॉन सीरीज में से कोई लैपटॉप ले सकते हो, बढ़िया लैपटॉप होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, बस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यार कोई इशू नहीं आएगा। और यार अब तो एप्पल भी सपोर्ट करता है कि आप अपनी विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो मैकबुक के अंदर। बेसिकली एप्पल की तरफ से एक यूटिलिटी प्रोवाइडेड है, बूट कैंप असिस्टेंट, उसकी हेल्प से आप अपने मैकबुक के अंदर विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने विंडोज इंस्टॉल की थी एक महीने के लिए, मेरे को कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करना था जो कि सिर्फ विंडोज के लिए अवेलेबल था, तो मैंने मैकबुक में विंडोज इंस्टॉल की इस यूटिलिटी को यूज़ करके, तो बड़ी स्मूथली चली थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो मैकबुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स अवेलेबल इन द मार्केट टुडे, तो आप कंसीडर कर सकते हो। और एक और चीज बता देता हूं आप लोगों को यार, कि आप ओपन बॉक्स डील्स भी देख सकते हो, उसमें आपके $150 से $200 बच जाएंगे। रीफर्बिश्ड के चक्कर में मत पड़ना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है उनमें, तो ओपन बॉक्स डील्स डेफिनेटली आप देख सकते हो, तो आपके कुछ पैसे और बच जाएंगे। और यार साथ के साथ आप एप्पल का एक स्टूडेंट डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो बेसिकली एप्पल क्या करता है, स्टूडेंट्स को एक 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करता है अपने कंप्यूटर्स के ऊपर। तो आप एप्पल की वेबसाइट पे जाओ, उस पे रजिस्टर करो, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप एप्पल के स्टोर में जाओ जैसे कि अमन ने किया। तो आप एप्पल के स्टोर में जाओ, उनको बोलो कि भाई आप एक स्टूडेंट हो, अपनी ID वगैरह दिखाओ, अगर वो मांगते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो दैट इज एन एडेड बेनिफिट। और अगर आप और फीचर्स वाला लैपटॉप चाहते हो, आप चाहते हो कि टच स्क्रीन हो, फ्लिप हो जाता हो, या फिर एक HD कैमरा हो, जो भी हनीमून फीचर्स होते हैं वो आप चाहते हो, तो आपको और डॉलर्स खर्चने पड़ेंगे। ये तो वही बात होगी, जितनी चीनी डालोगे उतनी चाय मीठी बनेगी, तो वो आपकी मर्जी है, आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी यही चीजें थी जो कि आप कंसीडर कर सकते हो एक लैपटॉप खरीदते हुए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, और ऐसी ही वीडियोज अगर आप फ्यूचर में देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।